स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग। और अभी अभी हमारी चल रही है ये गर्म पानी वाला दौर चल रहा है, ये दूसरा ग्लास है बस अभी। लेकिन एक बात कहने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ, वो ये कि सुबह मुझे अभी हल्कापन महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। और देखिए थोड़ा पेट भी अंदर दिख रहा है, नहीं तो अभी मेरा पेट भी निकल आया था। तो आज जबकि मेरा तीसरा दिन है और वेट मैं अभी नहीं कर रही हूँ, वेट सोच रही हूँ कि पूरी जीएम डाइट हो जाए तभी करेंगे, देखेंगे कि कितना केजी वेट लॉस हुआ है। तो लेकिन हल्कापन लगना शुरू हो गया है, दैट्स इट। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नहा धो के। सुबह उठते ही मैं फिश टैंक के पास गई अंधी मछली के हालचाल देखने। देखा तो वो चल बसी। कल लग भी रहा था कि ज्यादा नहीं जी पाएगी, इसकी हालत देखकर लग रहा है कि बड़ी मछलियों ने इसके पंखों को खा लिया है। वैसे भी मछलियां मांसाहारी होती हैं और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वैसे मेरी बड़ी मछलियां बहुत मक्कार हैं। बीच में एक बार मैं कुछ छोटी मछलियां लाई थी, वो एक एक करके उनको खा गई। तब से मैंने फिर मछली लाना बंद कर दिया। तो हम जा रहे हैं इनका अंतिम संस्कार करने। तो आज आपको आयुर्वेदिक डिटॉक्स ड्रिंक के कुछ फायदे बताती हूँ, जैसे सूजन, एसिडिटी, पेट का भारीपन और बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए हम इसे पी सकते हैं। ये ड्रिंक एक तरह की नहीं होती, ये कई टाइप की बनती है। तो मैं कभी आपको बताऊंगी किसी वीडियो में, कई तरह की आपको बना के फिर मैं इसमें दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम सुबह एक ऐसी ड्रिंक बनाएं जो हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकाले। आओ पियो, आओ आओ आओ। कभी कभी पीयू के बड़े नखरे होते हैं। मैं बहुत देर से उसे बुला रही हूँ लेकिन वहीं से वो मुझे टुकड़ टुकड़ देख रही है, अभी आ नहीं रही है। बहुत नाटक है पीयू के, अब मटक मटक के मुझे चल के दिखा रही है। इधर हमारा तैयार हो गया है शहद और नींबू, और यहाँ मैंने बनने रख दी है दूसरी तरफ ही ग्रीन टी। जब तक मैं ये पीऊँगी तब तक ग्रीन टी तैयार हो जाएगी। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और 8:30 बजे तक सुबह के सारे ड्रिंक पी पाकर फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज है संडे तो इसलिए सारा काम आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और आज है जीएम डाइट का डे 3। तो आज के दिन हम खाएंगे फल और सब्जियाँ। तो आप कोई से भी फल और सब्जी ले सकते हैं, बस आलू, केला और टमाटर को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं। कोशिश करिए कि कच्चा खाएं उन्हें, जैसे सलाद है तो वो तो कच्चा ही अच्छा लगेगा। अगर सब्जियां भी आप खा सकते हो तो खाओ, नहीं तो हल्का सा उन्हें फ्राई कर लेना थोड़े से तेल में, 1 चम्मच तेल में, वो भी ऑलिव ऑयल में। और फ्रूट चाट वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है। तरबूज खरबूज पे ज़्यादा फोकस करना है, और जितना पानी आप पी सकते हो आप उतना पानी पियो, ठीक है। तो कल मेरा सूप था वो थोड़ा सा बच गया था, तो फिर मैंने आज सोचा कि दूध रहने देती हूँ, दूध नहीं पी रही हूँ और मैं पी रही हूँ ये सूप। इतना पौष्टिक है, हटाया नहीं जा रहा कि ऐसे ही फेंक दूं इसे, और कोई इसका ग्राहक है नहीं और कोई इसे पिएगा नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही इसे गर्म करके अभी सुबह के टाइम ये पी लूंगी, और फिर बाकी टाइम हम फल और सब्जियों पे रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आज संडे है तो बच्चे लगे हुए हैं किचन में, जहाँ हम सब ने मिलकर के बनाया ये म्यूनीज वाला सैंडविच। इसमें हमने बारीक कटी सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे पत्ता गोभी है, प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, और इसमें डाल दी हमने म्यूनीज और फिर इसे कर लिया मिक्स। मसालों के नाम पे सिर्फ ये नमक और काली मिर्च जो साइड में रखे हैं, बस हमने फिर यही डाला। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मिला लिया, और फिर ब्राउन ब्रेड मंगा ली थी, ब्राउन ब्रेड में इसको लगाया। ब्रेड इसमें फिर हम लोग सेकते नहीं हैं घी में, वो वैसे ही कच्ची ब्रेड में ही ये म्यूनीज वाला सैंडविच काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस उसको हमने लगा दिया और फिर खाया, मुझे छोड़ के बाकी सब ने खाया। आज घी निकालने का भी बड़ा काम था तो आज वो भी निपटाया। फिर इसके बाद लगने लगी मुझे भूख, फिर मैंने बनाई ये फ्रूट सैलेड। इसमें मैंने कोई मसाला वगैरह नहीं डाला, मैंने कहा ऐसे ही फ्रूट्स खाएंगे, ना चाट मसाला, ना काली मिर्च, ना नमक, बस ऐसे ही। फिर मैं आ गई बाहर और आराम से बैठ के मैंने ये फ्रूट चाट ख़त्म करी। अब लंच टाइम हो गया है, मैं खाऊंगी बॉयल्ड वेजिटेबल्स। इसके लिए मैंने ली है गोभी, शिमला मिर्च, मशरूम, बीन्स, पत्ता गोभी, गाजर, फ्रोजन मटन, कॉर्न और हरी मिर्च। एक बर्तन में पानी उबाल लें और उसमें डाल दें अपनी सारी सब्जियां और इसको थोड़ी देर उबलने दें हल्का सा, फिर बाद में इसमें नमक भी डाल दें। बस जब सब्जी थोड़ी सी नरम होने लगे तो फिर इसकी गैस बंद कर दें और इसे छानकर एक बाउल में डाल दें।
इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें एक प्याज काटकर डाल दी है, थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है और आधा नींबू का रस और थोड़ी काली मिर्च भी। बस अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है और फिर इसे हल्का गुनगुना ही फिर हमें इसे खाना है। आप लोग सोचते होंगे कि कितना बेस्वाद होगा ये खाना। पहली बात तो ये बेस्वाद नहीं लगता है, बस रोज के खाने से थोड़ा अलग लगता है। दूसरा, ये हमें रोज तो खाना नहीं है, महीने में ये हफ्ते में 2 या 3 दिन ये खाना होता है, तो वजन कम करने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। बस उसके बाद चलते फिरते मैंने खाए अंगूर, फिर खा लिया एक तरबूज का टुकड़ा, फिर और देखा फिर बच्चे लगे हैं किचन में कुछ बनाने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। हरा धनिया, चीज क्रश, बटर, कॉर्नफ्लोर में लिपटे आलू तले जा रहे हैं। बच्चे जो ये फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, ये उन्होंने यूट्यूब से ही एक निकाला है, उसी को देख करके बना रहे हैं और इसकी एक स्पेशल सॉस भी वो तैयार कर रहे हैं। तो ये लीजिए, देखिए आप लोग भी, उनका ये बन गया है फ्रेंच फ्राइज विद वाइट सॉस। भाई उन्होंने इतने प्यार से बनाया था तो फिर थोड़ा सा मैंने भी चखा, 1 और 2 पीस बस, ज़्यादा नहीं। बहुत बढ़िया बनाया था भाई, मानना पड़ेगा। आज संडे है तो ड्यूटी पे हमें नहीं जाना था, तो आज समझिए वॉक भी नहीं हुई। सोचा था शाम को चली जाऊंगी, पर तभी मुझे नींद आ गई। फिर मैं जब उठी तो इतना हो गया था टाइम। और ये देखिए, डिनर भी आज हमें नहीं बनाना है, संडे है तो भाई आज पूरा पूरा फ़ायदा आज मुझे मिल जाता है। अब अपने लिए मैं बना रही हूँ डिनर अपना। तो ये है वो सारी सब्जियाँ जिसमें गोभी और पत्ता गोभी को तो खास तौर से आप उबाल के ही यहाँ पर रखना। हम यहाँ पर कर रहे हैं फ्राई, तो ये फ्रेंच फ्राइज वाली ही कढ़ाई है, तो इसमें थोड़ा सा तेल मैंने छोड़ दिया था 1 चम्मच जैसा, तो उसी को गरम करके मैं ये सारी सब्जियां इसमें डाल दूंगी और फिर बस इसे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। हल्का सा नमक और ये काली मिर्च हमने इसमें डाल दिया है, बस दैट्स इट। बस इसको फिर मैंने खाया रात के अपने डिनर में, फिर और कुछ खाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, पेट भी अच्छे से मेरा भर गया। डिनर मेरा हो चुका है और मैं आ गई हूँ ऊपर। और पता है मैं कल, वो है दूध और केले का दिन, चौथा दिन है जो, और मैं केले मंगाना भूल गई थी। मतलब मेरे को दिन में ही मैं सोच रही थी कि ले आऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ रहा कि मेरे दिमाग से ही निकल गया, फिर अभी मैंने रात में इनसे मंगाया है। तो आप कोशिश करा करिए कि अगले दिन की तैयारी आप पहले से ही करके रखें, ऐसी नौबत नहीं आए, नहीं तो फिर पता है वो GM डाइट फिर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो खैर, केले हमारे आ गए हैं, तो कल है पूरा दूध और केले का दिन, इसमें हम कुछ फल वगैरह भी ले सकते हैं। तो बस यही था, आज का दिन भी काफ़ी अच्छा ही रहा। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे GM डाइट Day 4 में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।